महानगर में हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की जयकारे सुनाई दे रहे हैं। पूरा शहर भगवान गणेश की जय जयकार में गुंजायमान है। शहर में अलग अलग समितियों द्वारा अलग अलग थीम पर भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की गई है। कहीं पंडाल देश की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, तो कहीं गणेश महोत्सव समाज सेवा व जागरूकता को समर्पित किया गया है। श्री गणेश पूजा नवयुवक समिति साहबगंज किराना मंडी में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंडी के व्यापारियों ने इस प्रतिमा को बासमती चावल से तैयार किया गया है। बासमती का ये चावल उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिसकी लंबाई अन्य चावलों की तुलना में अधिक होती है। इसे तैयार करने में करीब 10 कारीगर लगे हुए थे, जो 2.5 सप्ताह से इसे तैयार करने में लगे हुए थे। प्रतिमा को तैयार करने में 1.25 क्विंटल चावल लगा है। इस बार व्यापारी द्वारा बासमती चावल से इसे तैयार किया गया है, जो पूर्वांचल की चावल से बनने वाली पहली प्रतिमा है। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन करने को उमड़ रही है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा को देखने के लिए भक्तगण अपने अपने परिवारों के साथ पूजा पंडालों में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौरीपुत्र गणेश की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए श्री श्री गणेश पूजा नवयुवक समिति के सदस्य अजय कुमार अग्रहरी एवं भगवान गणेश का दर्शन करने पहुँचे भक्तगण श्याम अग्रहरी और अनूप कुमार ने कहा। अजय कुमार अग्रहरी पद हमारा समझ लिया कार्यकर्ता ही। हम लोग भैया 2008 से गणेश प्रतिमा बैठा रहे हैं, और इसकी खूबी ये है कि हमारे शैलेंद्र भैया गए थे बॉम्बे, वो बॉम्बे से जब लौट के आए तो उनको कुछ गणपति पूजा उस समय चल रहा, तो देखो क्या है, तो उनको कुछ लगा कि हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम गणेश जी का प्रतिमा बैठाया जाए। तो उसी समय से हम लोग गणेश पूजा शुरू किया गया, और करीब 5-7 साल से हम लोग कुछ अलग अलग गणपति पूजा बैठा रहे हैं। कभी सिक्के का, कभी रमदाने का, कभी धनिए का, कभी मेवे का, कभी मसूर के दाल का। दुर्गा जी जो कि मसूर के दाल के पिछले साल बैठाए थे, इस साल हम लोग ये बासमती चावल का बैठाया गया है। और गणपति पूजा हम लोग बड़े मन से ही किया जाता है, और ये व्यापारियों के साथ किराना व्यवसायी संघ उन्हीं लोग के वजह से होता है। श्याम अग्रहरी, बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे हर साल कुछ नया ही गणेश प्रतिमा का भी स्थापित किया जाता है। जैसे पिछले साल यहाँ पे मैं आया था तो सिक्के की प्रतिमा थी, उसके पिछले साल आया तो मैं यहाँ पे मेवे की प्रतिमा थी,
इस साल मैं आया तो यहाँ पे बासमती चावल की प्रतिमा ये अद्भुत है। शहर में बहुत भी प्रतिमाएँ हैं, सब प्रतिमाएँ हैं, सब श्रद्धालु बप्पा के हैं, मगर कुछ नया चीज़ यहाँ पे वातावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सदस्य लोग ऐसा कुछ निर्माण कराते हैं जो प्रदूषित ना हो। ये हमारा अनु कुमार अग्रहरी। गणेश प्रतिमा देखने निकले हैं, कैसा लगा आपको? गणेश प्रतिमा देखने निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुन के आया गया है कि चावल के गणेश जी बैठे हैं, और देख के आया गया, बहुत अच्छा लगा बैठने में।